तो आशिकों, जून मंथ की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस मंथ के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स की बात करें तो जहां मई के अंदर 77,160 व्हीकल की सेल्स हुई थी, वहीं जून के अंदर ये सेल बढ़ के 79,505 व्हीकल पे आ चुकी है। तो देख लेते हैं कि जून मंथ के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स में कौन रहा सबसे आगे और किसको पब्लिक ने कर दिया है रिजेक्ट। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। नंबर 5 पर है हीरो विडा। विडा ने मई के महीने में 2,459 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, जबकि जून के अंदर ये नंबर बढ़ के हो गया है 3,068 व्हीकल का। हीरो विडा ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है सेल्स के मामले में और इसी के साथ इनका मार्केट शेयर हो गया है 3.86%। अगर जनवरी 2024 से लेकर अभी तक की सेल्स की बात करें तो इन्होंने टोटल 13,819 व्हीकल सेल करे हैं। आपको बता दूं कि अभी हीरो विडा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है अपनी विडा V1 सीरीज के ऊपर, और विडा V1 प्लस तो डिस्काउंट के बाद अभी 1,00,000 के अंदर मिल रही है। यही वजह रही है कि सेल्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और यूनिक फैक्टर है स्कूटर में और वो है रिमूवेबल बैटरी का सेटअप। तो इन वजहों से विडा की सेल्स बढ़ी है। अब देखना यह होगा कि डिस्काउंट कम होने के बाद इसकी सेल में क्या फर्क पड़ता है। नंबर 4 पर है एथर एनर्जी। भाई, एथर की सेल्स के अंदर जून में कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। इनकी जून मंथ की सेल मई के मुकाबले सेम ही रही है। जहां मई के अंदर इन्होंने 6,116 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, वहीं जून के अंदर इन्होंने टोटल 6,097 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, और इसी के साथ एथर का मार्केट शेयर हो गया है जून मंथ का 7.67%। अगर हम जनवरी से लेकर अभी तक की बात कर रहे हैं तो इन्होंने टोटल 52,236 व्हीकल सेल करे हैं। ध्यान रहे कि एथर ने अपना फैमिली स्कूटर लॉन्च करा था जिसकी डिलीवरी जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी। इनकी फ्लैट सेल्स के पीछे ये भी एक वजह रही, क्योंकि कुछ बायर्स ने रिस्टा का वेट करने का डिसाइड करा है। तो अगर इन खबरों को सही माने तो हमें जुलाई में अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा नंबर्स के अंदर। बाकी रिस्टा ऑलरेडी डीलरशिप पे आ चुकी है और डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। नंबर 3 पर है हमारा बजाज चेतक। बजाज ने मई के महीने में टोटल 9,241 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के अंदर ये नंबर गिर के 8,985 व्हीकल पर आ गया है। चेतक की सेल में इस मंथ गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ चेतक का मार्केट शेयर जून मंथ का हो गया है 11.30%। चेतक ने जनवरी से लेकर अभी तक 66,512 व्हीकल सेल करे हैं। चेतक ने इस मंथ अपनी वेबसाइट पर चेतक 2901 को लिस्ट करा था, जिसके साथ ये चेतक की तरफ से आने वाला सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है। इसकी डिलीवरीज लास्ट मंथ से स्टार्ट होनी थी, पर अब ये डीलरशिप्स पे आना शुरू हो गई है, तो इस मंथ से इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। चेतक की सबसे अच्छी चीज यही है कि इनकी व्हीकल के लिए आपको बुकिंग करके वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं कि चेतक की नेक्स्ट मंथ कितनी सेल बढ़ती है, क्योंकि इसका जो प्राइस है 2901 का वो 1,00,000 के अंदर है, तो इस वजह से चेतक की सेल में कोई बड़ा फर्क तो आएगा। नंबर 2 पर है टीवीएस मोटर। टीवीएस ने मई के महीने में 11,840 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, जबकि जून के अंदर टोटल 13,899 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं। टीवीएस भी उन्हीं ब्रांड में से एक है जिनकी सेल्स में अप्रैल से लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसी के साथ टीवीएस का जून मंथ का मार्केट शेयर हो गया है 17.48%। और अगर हम ये बात करें कि जनवरी से लेकर अभी तक कितनी सेल करी है, तो वो है टोटल 90,141। आपको याद होगा कि टीवीएस ने अपनी आईक्यूब की लाइनअप को बढ़ा करते हुए टोटल 5 आईक्यूब मार्केट में ऑफर कर दिए हैं, और इसी के साथ एक सबसे ज्यादा वैरायटी देने वाला ब्रांड बन गया है टीवीएस, जिसमें आपको 95,000 से लेके 2,00,000 तक के स्कूटर मिल रहे हैं। और टीवीएस ही एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो आपको 5.1 किलोवाट जैसा बड़ा बैटरी पैक दे रहा है अपने स्कूटर्स के अंदर। देखना होगा कि 1,00,000 के अंदर कैटेगरी में आने के बाद इनकी सेल में कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है। नंबर 1 पर हमेशा से बना हुआ है भाई ओला इलेक्ट्रिक। ओला ने मई के अंदर 37,297 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे, जबकि जून के अंदर 36,716 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं। ओला की सेल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है इस मंथ, और इसी के साथ जून मंथ का ओला का मार्केट शेयर हो गया है 46.18%। और जनवरी 2024 से लेकर अभी तक ओला ने टोटल 2,28,192 व्हीकल सेल करे हैं। ओला ने इस मंथ अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम को ही कंटिन्यू रखा था, जिसकी वजह से सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ है। काफी अजीब बात है। ध्यान रहे कि इस मंथ ओला ने S1X सीरीज की डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हमें ओला के नंबर में कुछ ग्रोथ देखने को मिल जाए। लेकिन कुछ देर के लिए अगर सेल्स डिक्लाइन को इग्नोर करके देखा जाए तो ओला ने अपने मार्केट शेयर को पकड़ के रखा हुआ है। देखते हैं कि आने वाले महीनों में
क्या कोई ओला को पीछे कर पाएगा या नहीं। तो ये तो थे सेल्स के मामले में टॉप 5 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। अब देख लेते हैं कि बाकी ब्रांड्स का कैसा रहा जून का महीना, मतलब किसने डाला छोटा नंबर बड़ा इम्पैक्ट और किसका रहा बड़ा नाम पर छोटा इम्पैक्ट। एम्पायर ग्रीव्स ने मई के महीने में 2060 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के अंदर 2812 व्हीकल सेल करे हैं। आपको बता दूं कि लास्ट मंथ एम्पायर ने नेक्सस लॉन्च करी थी और एम्पायर की नेक्सस लॉन्च के बाद से सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। बिगॉस ने मई के महीने में 1159 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के अंदर 1062 व्हीकल सेल करी हैं। बिगॉस की सेल्स में हमें बहुत टाइम से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले बिगॉस ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी ढीले तरीके से मार्केट में लॉन्च करा है, जिसका नाम है RUV 350। चांसेस कम है, पर देखते हैं कि क्या बिगॉस की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च के बाद इनकी सेल्स में कोई सुधार आ सकता है या नहीं। जॉय ई बाइक ने मई के महीने में 1265 व्हीकल सेल करी है, जबकि जून के अंदर 897 व्हीकल सेल करी है। तो भाई इनकी सेल्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। क्वांटम एनर्जी ने मई के महीने में 523 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के महीने में 675 व्हीकल सेल करी है। यहाँ सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। रिवोल्ट ने मई के महीने में 687 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के अंदर 660 व्हीकल सेल करी है। यहाँ पे भी डिक्लाइन ही देखने को मिला है। रिवर इंडी ने मई के महीने में 167 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के अंदर 197 व्हीकल सेल करी है। यहाँ इनकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। बाउंस इन्फिनिटी ने मई के महीने में सिर्फ 94 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के अंदर 102 व्हीकल सेल करी है। तो इनकी सेल्स में भी कोई मार्जिनली ग्रोथ आया है। सिंपल एनर्जी ने मई के महीने में 69 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के अंदर ये नंबर गिर के आ गया 49 का। तो भाई इनकी सेल्स में भी गिरावट आई है। ओवन इलेक्ट्रिक ने मई के महीने में 31 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के महीने में उन्होंने टोटल 42 व्हीकल सेल करी है। अल्ट्रा वॉलेट ने मई के महीने में 16 व्हीकल सेल करी थी, जबकि जून के महीने में नंबर दुगना हो गया है 32 व्हीकल का। तो यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ अचीव कर ली है अल्ट्रा वॉलेट ने। तो भाई ये तो थी जून मंथ की सेल्स रिपोर्ट, और पैटर्न को देख के ये चीज साफ समझ में आ रही है कि लोग सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं देख रहे, क्योंकि उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लोग महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं, जहाँ पे उनको अच्छा सर्विस नेटवर्क और अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिले, ताकि उनके पास एक ट्रस्टवर्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू डिवाइडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए।